हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम बात करते हैं इनर क्लासेस की। अभी तक हमने अपने जावा प्रोग्राम्स में बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, उनके अंदर तरह तरह के मेंबर्स या मेथड्स डिफाइन किए हैं। डेटा मेंबर्स, स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेथड्स, नॉर्मल मेथड्स, एनोनिमस ब्लॉक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप किसी क्लास के अंदर एक और क्लास बना देते हैं जो बिल्कुल उसी क्लास की तरह है, मतलब उसमें कोई अलग सी चीजें नहीं करनी होती हैं, वो नॉर्मल क्लास जैसा ही लगेगा और उसका कोड भी सिमिलर ही होता है, तो अंदर वाली क्लास को इनर क्लास कहा जाता है आउटर क्लास के लिए। तो आपने किसी क्लास को स्टार्ट किया, ओपनिंग ब्रेसेस खोले, उसी स्कोप में आपने एक और क्लास बना दी, बिना ऊपर वाली क्लास के स्कोप बंद हुए, यानी आउटर क्लास अभी खत्म नहीं हुई, मगर आपने उसके अंदर एक और क्लास बना दी, तो अंदर वाली क्लास बाहर वाली क्लास की इनर क्लास हो जाएगी और बाहर वाली क्लास को आउटर क्लास कहा जाता है। तो इनर क्लासेस ब्रॉडली दो तरह की होती हैं, स्टैटिक इनर क्लास और नॉन स्टैटिक इनर क्लास। इस लेसन में हम स्टैटिक इनर क्लास को समझेंगे और उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्रॉडली दो तरह की होती हैं इनर क्लासेस, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है नॉन स्टैटिक। एक स्टैटिक इनर क्लास केवल आउटर क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेथड्स को ही एक्सेस कर सकता है। यानी बेसिकली अगर आप इसे लूज सेंस में देखें तो ये इनहेरिटेंस जैसा ही है। अंदर वाली क्लास बाहर की क्लास के कुछ फीचर्स इनहेरिट करेगा, मगर अगर इनर वाली क्लास स्टैटिक है तो वो केवल बाहर वाली क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेथड्स ही एक्सेस कर सकता है अपने कोड्स में। स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेथड प्राइवेट भी हो तब भी इनर क्लास एक्सेस कर लेता है। ये नॉर्मल इनहेरिटेंस है, अलग फीचर है, क्योंकि इनहेरिटेंस में आप जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं सुपर क्लास के, आप प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते सब क्लास में, मगर इनर क्लास के केसेस में आप कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास के केस में आप केवल स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर क्लास बनाने का मेन रीजन क्या होता है? आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना के उसके मेथड्स और उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करके उनके साथ कोई काम लेना चाहते हैं। तो अब आप इनर क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की तरह तो नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आप आउटर क्लास के बाहर स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये देखने में बड़ा लग रहा है, मगर इसमें पहले आ जाता है आउटर क्लास का नाम, डॉट लगता है, फिर उसके बाद आता है इनर क्लास का नाम। जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखते हैं, मैंने ब्रीफली बताया था पिछले लेसन में, कुछ खास नहीं बताया था। डॉट का मतलब होता है कि वो आउटर क्लास का एक हिस्सा है, मेंबर है। डॉट ये सिग्निफाई करता है जावा में, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट लगा रहा है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि इनर क्लास इस क्लास का एक हिस्सा है, उसका एक मेंबर है। इसलिए पूरा नाम इनर क्लास का होगा आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लासेस के केस में। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर नेम, यानी किसी भी वेरिएबल का नाम, ओबीजे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी नाम उसे देना चाहते हैं, नॉर्मल जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। न्यू ऑपरेटर आएगा और फिर यही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लास का नाम है। जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम, तो हम क्लास का नाम लिखते हैं न्यू के बाद, कंस्ट्रक्टर को एक तरह से कॉल करने के लिए। तो वही काम यहाँ पे होगा, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास नेम लिख के जो भी आर्ग्यूमेंट्स भेजने कंस्ट्रक्टर को वो आप भेज सकते हैं। नॉन स्टैटिक इनर क्लास के केस में भी डॉट ऑपरेटर लगता है, मगर वहां यहां कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है,
कमेंट्स के लिए लिख दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे आउटर क्लास स्टार्ट हुई है। आउटर क्लास हमारी इस केस में है क्लास ए बी, उसमें एक प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है, नाम है ए, और एक प्राइवेट इंट टाइप का डेटा मेंबर है, नाम है बी। मैंने जानबूझकर यहाँ प्राइवेट एक्सप्लिसिटली लिखा है ताकि मैं इसको इनर क्लास में एक्सेस करके दिखा सकूं। फिर मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, उससे मैंने स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू दे दी। कंस्ट्रक्टर बनाया, ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो मतलब अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करेगा जेआरई। तो हम जब भी अगर ए बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, बी इक्वल्स टू एक्स, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो ए को डिस्प्ले कर रहा है और बी को डिस्प्ले कर रहा है। ए हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर और बी हो गया उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर जिसने डिस्प्ले को कॉल किया होगा। अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैंने केवल डिस्प्ले मेथड को बंद किया है। इसके आगे ही मैंने एक और क्लास स्टार्ट कर दी, लिख दिया पब्लिक स्टैटिक क्लास सी। पब्लिक मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि हम इस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट इस आउटर क्लास के बाहर बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये आउटर क्लास का एक मेंबर है, तो इसके एक्सेस स्पेसिफायर वैसे ही काम करेंगे जैसे नॉर्मल डेटा मेंबर्स के काम करते हैं। पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या डिफॉल्ट, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उस केस में आप इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास ए बी के बाहर। अगर आपने प्राइवेट लिख दिया और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहा इस क्लास के बाहर, तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा क्योंकि ये प्राइवेट है और ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक क्लास सी, स्टैटिक लिखने से ये स्टैटिक क्लास हो गई। अगर मैं स्टैटिक हटा दूं तो ये नॉन स्टैटिक इनर क्लास हो जाएंगी, बस इतना ही डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनर क्लास के सिंटेक्स में। इसके अंदर एक प्राइवेट इंट डेटा मेंबर है, नाम है सी। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और सी को इनिशियलाइज कर दे रहा है। इसके अंदर भी मैंने एक डिस्प्ले मेथड बनाया। नेम कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई चीज यहां नहीं होगी क्योंकि पहली बात तो ये स्टैटिक मेथड है ही नहीं, तो ये इसको यूज कर ही नहीं सकता। तो अब यहां पे मैंने आउटर क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर का इस्तेमाल किया है जो अलाउड है क्योंकि ये स्टैटिक क्लास है। मैंने उसकी वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट कर दी, अब उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि मैं और तो कहीं कोई चेंज कर नहीं रहा हूं एक ही वैल्यू में। तो अगर जब भी ये मेथड कॉल होगा वो अपने आप 5 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये बस एक्सेस हो रहा है कि नहीं ये दिखाने के लिए मैंने इंक्रीमेंट की है वैल्यू। फिर मैंने एक की वैल्यू प्रिंट कर दी चेंज करने के बाद, और इस क्लास के सी के मेंबर की वैल्यू प्रिंट कर दी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके सी की वैल्यू प्रिंट कर दी। स्टैटिक इनर क्लास को मैंने यहां बंद कर दिया और फिर आउटर क्लास को यहां बंद कर दिया। तो ये क्लास इस क्लास के अंदर डिफाइन हुई है, तो ये इनर क्लास हो गई। फिर मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड है। वहां मैंने प्रिंट किया पहले क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, यानी मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, आउटर क्लास डॉट सी, आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम, ओबीजे किसी भी आइडेंटिफायर का नाम, न्यू ऑपरेटर और फिर ए बी डॉट सी। और फिर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा था, तो सी में वैल्यू हो जाएगी 20। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवोकिंग डिस्प्ले ऑफ ओबीजे, ओबीजे से डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया, तो ये वाला डिस्प्ले मेथड कॉल होगा क्योंकि वो इनर क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। फिर मैंने आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे वन, नॉर्मली जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं, और उसमें वैल्यू पास कर दी 100, यानी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी में वैल्यू आ जाएगी 100। फिर मैंने उसका डिस्प्ले मेथड कॉल किया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, ये इनवोकिंग डिस्प्ले ऑफ ओबीजे, ये ए ऑफ ओ ए बी इज 10,
ये प्रिंट होगा, डिस्प्ले मेथड इनर क्लास का कॉल होगा। फिर सी ऑफ ओ बी ऑब्जेक्ट इज 20, मैंने 20 पास किया था, 20 प्रिंट हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 इंक्रीमेंट होके 10 प्रिंट हुई यहां पे। फिर ए ऑफ ए बी इज 10, यानी यहां जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुई वो यहां पे इफेक्ट दिखा रही है अपना, ये ए चेंज हो गया है। अब ए बी के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे या सी के भी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो ए की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो उन्हें 10 ही मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर्स की एक ही कॉपी मेंटेन की जाती है। इस केस में भी एक ही कॉपी मेंटेन होगी और दोनों क्लासेस उसी को रिफर करेंगे। और फिर ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले से कॉल होगा तो ए ऑफ ओ बी इज 10 और बी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100। तो स्टैटिक इनर क्लास का ये एग्जाम्पल था। स्टैटिक इनर क्लास वैसे कुछ खास है नहीं, मगर फिर भी पढ़ाने के तौर पे और एक टॉपिक के तौर पे बताना जरूरी था।